आदाब, मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। आज बात करेंगे हम कमलेश तिवारी के बारे में, जिनकी कुछ दिन पहले हत्या हो गई थी। आज से 5 साल पहले कमलेश तिवारी ने एक बहुत ही घटिया स्टेटमेंट दिया था, उसको भी इस हत्या के साथ जोड़ा जा रहा है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन मेन बात यह है, कमलेश तिवारी मरने के कुछ दिन पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, उसमें कहा था कि अगर मेरी हत्या हो गई तो इसके जिम्मेदार होंगे संघ के लोग और बीजेपी के। जब संघ का पदाधिकारी कार्यकर्ता, भाजपा का पदाधिकारी कार्यकर्ता मरता है तो मैं ये नहीं सोचता हूं कि वो संघ और भाजपा का है, हम चुप रहे। हम ये सोचते हैं कि वो हिंदू है, ये भले मैं जेल चला जाता हूं, ये भले मेरे लिए षड्यंत्र रचते हैं, लेकिन इनके कार्यकर्ताओं के लिए भी मेरे दिल में दर्द होती है और मैं लड़ने निकल पड़ता हूं इनके लिए, जो मेरे पीछे दिन रात पड़े हुए, मेरी हत्या की साजिश रचते, मेरी सुरक्षा हटा दिया। योगी सरकार के आते ही फिर भी मैं लड़ रहा हूं और इन्हें यह दिखा रहा हूं कि मैं अपने दम पे लड़ रहा हूं और हिंदुओं के लिए लड़ूंगा। इस स्टेटमेंट के ऊपर पुलिस ने जोर क्यों नहीं डाला और उस डायरेक्शन में काम क्यों नहीं किया? हत्या के बाद कमलेश तिवारी की मां ने क्या कहा, वो जरा सुनिए, पिक्चर ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ये बताइए कि अभी पुलिस ने कुछ गिरफ्तारियां की हैं, कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, आप उस पर क्या कहेंगी? हम क्या कहेंगे, उनका तो काम यही है, किसी को पकड़ लिया होगा, किसी को दिखा देंगे, किसी शरीफ को चढ़ा देंगे फांसी पर, उनका तो यही धंधा है, यही करते हैं। आप लोगों को किस पे शक है, इसके पीछे कौन होगा, कौन जिम्मेदार है? सर, इसके पीछे पुलिस, सरकार इसके पीछे। कि जब बताइए आप, रोज सुरक्षा आती, उस दिन क्यों नहीं आई जिस दिन उनका मर्डर हुआ? आप भैया पढ़े लिखे हैं, नहीं जानते हैं आप कि किसकी साजिश है, किसकी बात से नहीं आई है सुरक्षा? अच्छी तरह से जान रहे, हमारे मुख से क्यों कह लाना चाहते हैं? यही कहे हैं शिवकुमार गुप्ता, आप ठठेरी के माफिया है, माफिया 500 केस चल रहे हैं उनके ऊपर, वो माफिया है। उनसे क्या रंजिश थी आपके माता जी? हमसे उनसे रंजिश? आपके बेटे की? आपके बेटे की, हमारे इसकी। हाँ, ये मंदिर, ये मंदिर का अध्यक्ष सुकुमार गुप्ता जबरदस्ती अध्यक्ष बन के हर जगह लिखते हैं, मुकदमा भी दायर कराया, मुकदमा उन्हीं से चलता है, उन्होंने इनको मरवा दिया, इनके आगे उनकी दाल नहीं गली, भारतीय जनता पार्टी की, योगी की नहीं दाल गली, इसलिए उन्होंने मरवा दिया। लेकिन हम अभी जिंदा हैं, हम जिंदा हैं, हम शिवकुमार गुप्ता को मार डालेंगे, हम मार डालेंगे, खाद डालेंगे इनको आगे करेंगे। ताकि मोदी जी का संदेश, अरे मोदी जी का शंकर जी है, हम बोले जी के दरबार में, मोदी जी का हमारे भगवान है का? मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी हुई ताकि हुई है मोदी जी, हम मोदी जी से संतुष्ट है नहीं, बात खत्म, क्यों बेर बेर हमका परेशान कर रहे हो? कमलेश के बेटे ने क्या कहा सुनिए, उनका इशारा ऐसा है कि उनको प्रशासन के ऊपर भरोसा नहीं है और उनको शक है कि कहीं इस मामले में किसी निर्दोष को ना फंसाया जाए। स्टेटमेंट में ध्यान दीजिएगा, किसी निर्दोष को ना फंसाया जाए। सर, हमको नहीं पता कि वहाँ पे वो जिन्होंने मर्डर किया है मेरे पापा का, वही हैं या कोई और साजिश के तहत दूसरों बेकसूरों को फंसाया जा रहा है? अगर हाँ वही हैं, इनके पास वीडियोग्राफी है तो वीडियोग्राफी मिला के उसको फेस मिलाएं, जो एजेंसी के लिए हम लोगों ने कंप्लेन की थी कि हाँ वो वाली जांच कराइए NIA वाली, तो वो अगर वो करवा रहे हैं, अगर उसके द्वारा साबित हो रहा है तो हाँ वही हैं, बाकी हमको प्रशासन के ऊपर भरोसा नहीं है कोई। इसका मतलब शक है कि जो मेन अपराधी हैं उनको पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन केस को ख़त्म करने के लिए किसी निर्दोष को पकड़ के सामने लाकर अलग चेहरा दिखाया जाएगा। आपने इन सभी लोगों का स्टेटमेंट देखने और सुनने के बाद क्या लगता है आपको? ये परिवार वो है जो कि मुसलमानों से मोहब्बत नहीं करती थी, उनसे नफरत करते थे। कमलेश तिवारी का पुराना स्टेटमेंट आपने सुना होगा, उससे आपको पता चलता है कमलेश तिवारी और उनके परिवार मुसलमानों से खुश नहीं थे। उसके बावजूद उनके घर में कमलेश तिवारी की हत्या होती है, ना उनकी माँ, ना उनकी पत्नी, ना उनके भतीजा, ना उनके बेटा
एक शब्द भी नहीं कहते हैं कि उनको शक है कि किसी मुसलमान ने उनके बाप या उनके पति या उनके बेटे की हत्या की है। लेकिन मीडिया ने क्या किया, मीडिया का जो काम है वही किया, उसने एक रंग दिखाया। किसका रंग दिखाया? मुस्लिम और हिंदू का। इनका यही एक काम है, गोदी मीडिया का काम यही रह गया, नफरत फैलाओ हिंदू और मुसलमानों के बीच में। उनको एक टीआरपी का टॉपिक मिल गया और रंग क्या दिखाया? हिंदू मुस्लिम विवाद। नहीं, एक सवाल मेरा पहले सुनिए जी, पहले मेरा एक सवाल सुनिए जी, सुनिए। हिंदू मुसलमान का शब्द आपने उठाया, हमने नहीं उठाया जी। कि 3-4 साल पहले जो उन्होंने बयान दिया था उस पर बवाल हुआ था, तभी हिंदू मुसलमान हुआ था, हमने नहीं उठाया, आपने उठाया। तो हमको गुमराह कर रहे हो, जब हम कहते हैं कुछ नहीं, अब तुमको जवाब देंगे जी। आपने उठाया, हमने नहीं उठाया। खेलना खेल खेलना बंद कर दो। योगी जी क्यों जलते थे कमलेश? खेल खेलना बंद कर दो। आपने ऐसा क्यों कहा? तुम लोगों से बहुत सीखे गए हैं, सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते, जनता के खिलाफ बोल सकते हो तो बोलिए, खूब कोशिश है। और किसने मना किया बोलिए, सरकार के खिलाफ बोलोगे चैनल बंद हो जाएगा। और ऐसे विवाद जब हो जाते हैं, लड़ाइयां होती, आज तक आपने देखा है जब कभी रैट होता है और मारपीट होती है, कभी कोई नेता का बेटा मरता है, कभी पैसे वाले का बेटा मरता है? इसीलिए मैं कहता हूं ऐसे मीडिया से बच के रहिए। पुलिस ने भी क्या किया, जो मीडिया का रंग था कहीं ना कहीं उसने भी उसी रंग और उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर दिया। उनके परिवार के लोग जिस तरफ इशारा कर रहे थे उधर उन्होंने नज़र नहीं डाली। लेकिन 5 साल पहले कमलेश तिवारी ने एक स्टेटमेंट दिया था, उस स्टेटमेंट के ऊपर जो फतवा निकला था उस केस के ऊपर लेके पुलिस ने फटाफट 5-6 लोगों को गिरफ्तार करती है और कहती है इन्हीं का हाथ है। 5 साल पहले का फतवा पुलिस को याद आया और सुनाई दिया, दिखाई दिया। लेकिन 10 दिन पहले जो लोग कमलेश तिवारी को मारने का धमकी दिए थे उसके ऊपर उन्होंने नज़र नहीं डाली, उसके ऊपर तवज्जो नहीं डाली। इसका मतलब सीधा सीधा है कि पुलिस भी किसी और रंग में घुस गई है। यहाँ पे आप पुलिस का स्टेटमेंट सुनिए। हम लोगों ने 3 व्यक्तियों को, 3 अपराधियों को हिरासत में लिया है और उनसे बहुत ही सघन पूछताछ की जा रही है। जो 3 संदिग्ध व्यक्ति हैं जिनको हम लोगों ने हिरासत में लिया है और गुजरात में अभी वो पूछताछ के केंद्र बिंदु बने हुए हैं, उनमें एक मौलाना मोहसिन शेख सलीम है, एक दूसरा व्यक्ति जिसको हमने पुलिस हिरासत में लिया है उसका नाम फैजान है, और तीसरा जिसको हमने पुलिस हिरासत में लिया है वो रशीद अहमद खुर्शीद अहमद पठान है। प्रारंभिक विवेचना से जो हमें पता चला है वो ये स्पष्ट हो गया है कि ये 3 व्यक्ति जो हिरासत में लिए गए हैं वो श्री कमलेश तिवारी की हत्या के षड्यंत्र में सम्मिलित रहे हैं, और 2 मुख्य अभियुक्त और भी हैं जो लखनऊ की इस घटना को कारित करने में सम्मिलित रहे हैं। उनके बारे में उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी जानकारी इकट्ठा कर रही है और उनकी गिरफ्तारी के पूरे प्रयास संयुक्त तरीके से और युद्ध स्तर पर की जा रही है। पुलिस के स्टेटमेंट के बाद जो लोग पकड़े गए हैं उनके फादर का स्टेटमेंट सुनिए। एक लड़का सामने रहता है, वो उनके साथ आया था, उसने आके आवाज दी, बच्चे बाहर आए, वो लेके चले गए। क्या नाम है आपके लड़कों को, क्या करते हैं? एक का नाम रशीद है, एक का नाम सईद। क्या काम करते हैं दो? एक कंप्यूटर का काम करता है दुबई में, वो अभी छुट्टी में आया हुआ था, उसके बड़े भाई की शादी है, तो उस शादी में वहाँ से उसे 2 महीने की छुट्टी मिली थी, यहाँ उसी टाइम में शादी रखी है, तो वो शादी में शरीक होने आया। कितने समय पहले दुबई से आया था यहाँ पे? 2 महीने लगभग होने जा रहे हैं। क्या कुछ बातचीत हुई थी आपके घर में जब वो आपके लड़के रहते, कोई बातचीत हुई थी कि किस तरह का प्लान चल रहा हो? नहीं नहीं नहीं, हमारे आप हमारी शक्ल देख के अंदाजा लगा रहे हो कि हम ऐसे लोग होंगे। हमारे 3 बच्चों को, 4 बच्चों को देखो, सब हमारी जैसे मिलेंगे तुमको, दाढ़ी वाले। और यहाँ पूरे मतलब
इसमें कम्प्लेक्स में आप पता करोगे तो कोई हमारे बारे में आपको बुराई नहीं बताएगा। पुलिस जो चेहरा दिखा रही है वो कतई कन्विंसिंग नहीं है। मैं ये बात क्यों कहता हूँ कि पुलिस का स्टेटमेंट कन्विंसिंग नहीं है, क्योंकि जहाँ पे हत्या हुई वहाँ पे एक मिठाई का डब्बा मिलता है, जो कि कहा गया कि इसी मिठाई के डब्बे में हथियार को छुपा के लाया गया था। उस मिठाई के डब्बे के ऊपर जो एड्रेस था वो गुजरात का था और जो लोग पकड़े गए वो गुजरात के थे। तो इसका मतलब है कि ये जो कत्ल करने वाले लोग थे इतने बेवकूफ़ थे कि जिस शहर से वो निकले उसी शहर का मिठाई का डब्बा में हथियार छिपा के लाए। ये बात थोड़ी कन्विंसिंग नहीं है। दूसरी बात जो कन्विंसिंग नहीं लगी, हत्या करने के बाद हत्यारे उसी होटल में जाते हैं जहाँ पे वो रह रहे थे और जो इनके कपड़े पे खून लगा था वो कपड़ा और सामान भी वहीं छोड़ के जाते हैं कि पुलिस आसानी से आए और उस सारे सामान को जब्त करे और उन्हें प्रूफ करना बहुत आसान हो जाए। ये कन्विंसिंग नहीं है। और एक और बात, ये जहाँ होटल में रुक रहे थे वो भी अपने ओरिजिनल आईडी के साथ। कोई भी हत्यारा जब एक प्लान बना के आता है तो अपने ओरिजिनल आईडी कार्ड के साथ बुकिंग नहीं कराता, ये भी कन्विंसिंग नहीं है। ये सारी बातें आपके सामने रखने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको खुद जजमेंट ले सकते हैं कि सच्चाई क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं लगता ये है कि कहानी कुछ और है, दिखाया कुछ और जा रहा है। NCRB ने डेटा रिलीज़ किया है यूपी के क्राइम के बारे में, उस पर भी आप एक नज़र डालिए जिससे आपको अंदाज़ हो जाएगा कि यूपी में क्राइम कितना घटा है या कितना बढ़ा है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन, औरत के अगेंस्ट में जो क्राइम हो रहे हैं जिसके अंदर मर्डर है या रेप केस है, वो 2016 का अगर आप डेटा देखेंगे तो तकरीबन 49,262 नंबर है। यही आंकड़ा अगर आप लेके चलते हैं 2017 में, उस वक्त हो जाता है 56,011। मतलब हर दिन करीब करीब 153 लोगों के साथ औरतें हैं या तो उनके साथ रेप हो रहा है या फिर उनकी हत्या की जा रही है। किलिंग का जो डेटा है वो भी देख लीजिए, 2016 में 48,089 नंबर था और यही आंकड़ा 2017 में हो गया 43,024 नंबर, थोड़ा सा कम हुआ है मर्डर में। क्राइम अगेंस्ट SC एंड ST 2016 में 10,426 नंबर था और 2017 में 11,444। साइबर क्राइम का अगर आप देखें तो 2016 में इसका नंबर था 2,639 और 2017 में 4,971। अब आपको डिसाइड करना है कि यूपी में राम राज्य है या जंगल राज। अगर कोई कमेंट हो, कोई बातें हो, अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखिए, ख़राब लगी हो तो उसको भी लिखिए। और जाते जाते ये मैं कहूँ कि इंडियन मीडिया बुक को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक।